माय टूर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में गुजरात में जो काम चल रहा है इसके अपडेट के बारे में बताऊंगा आज कि कहाँ पे क्या चल रहा है। और दोस्तों आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट क्रॉस हो रहा है। तो आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन का कौन सा पैकेज क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी अभी चल रही है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के लोकेशन की बात करेंगे कि ये बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट कहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 पे NH 48 से फाजलपुर विलेज से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रायका विलेज के पास इसका अलाइनमेंट क्रॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं रायका विलेज के पास वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में खड़ा हूँ और नीचे जो आप मार्किंग देख रहे हैं वो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सेंटर लाइन का ये मार्किंग है। सामने आपको टोल प्लाजा दिख रहा होगा तो यहाँ से इसका अलाइनमेंट क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे एलिवेटेड इसका जो ब्रिज है वो यहाँ से क्रॉस होगा। सामने आपको जो चुने का एक मार्किंग दिख रहा है वो बुलेट ट्रेन का सेंटर लाइन है और सामने कुछ पियर भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पैकेज नंबर C6 क्रॉस हो रहा है जो वडोदरा से अहमदाबाद के बीच में बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का ओवरव्यू देता हूँ। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का टोटल रूट 508 किलोमीटर का है जो शुरू होगा मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से और ख़त्म होगा गुजरात के अहमदाबाद में। इस रूट में टोटल 12 स्टेशन होंगे जिसके नाम है BKC, थाने, विरार, बोईसर, वापी, विलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती। और सभी 12 स्टेशनों में से अहमदाबाद गुजरात में साबरमती टर्मिनल एकमात्र ऐसा मल्टीमोडल ट्रांजिट हब होगा जो बस ट्रांजिट पॉइंट, भारतीय रेलवे और मेट्रो स्टेशन से भी जुड़ा होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर साबरमती स्टेशन को पुनः विकास के लिए चुना गया है। बुलेट ट्रेन के इस 508 किलोमीटर के रूट में 468 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक रहेगा और 27 किलोमीटर की टनल रहेगी जिसमें से 7 किलोमीटर अंडर द सी और 13 किलोमीटर ओवर द ग्राउंड रहेगा। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन की। तो टोटल 3 ऐसी जगह है जहां से ये प्रोजेक्ट पास हो रहा है, जैसे कि गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, और महाराष्ट्र। पहले बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में 98% लैंड एक्वायर हो चुकी है और दादरा एंड नगर हवेली में 100% लैंड एक्वायर हो चुकी है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 39% लैंड एक्वायर हो चुकी है जो बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं गुजरात में प्रोग्रेस को लेकर। तो गुजरात में यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस चल रहा है और ग्राउंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फुल स्पीड से यहाँ पर चल रही है। और नीचे आपको जो रोड दिख रही है वो नंदेसरी से दौड़का जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाइलिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और कई जगह पे पाइल कैप का काम यहाँ पे जारी है। और जहाँ पे पाइल कैप कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पे पियर के लिए रेनफोर्समेंट का काम जारी है और कई जगह पे पियर भी कंप्लीट हो चुके हैं और काम यहाँ पे फुल स्पीड से चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सेगमेंट वाइज बात करें तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में टोटल जितने भी काम किया जाएगा उसको टोटल 27 सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। इनमें से 18 सेगमेंट के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और सिर्फ 9 सेगमेंट के टेंडर जारी करना यहाँ पे बाकी है। और जैसे ही लैंड एक्विजिशन का काम यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा तो बाकी के जो 9 सेगमेंट के टेंडर है वो भी जारी कर दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2023 रखी गई थी लेकिन लैंड एक्विजिशन की देरी के चलते और रिसेंट अपडेट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2026 रखी गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में आ चुके हैं और अभी हमने जो देखा वो एक्सप्रेसवे के राइट साइड का जो एरिया था वो देखा था। और अब आपको हम दिखा देते हैं लेफ्ट साइड में भी दिखा देते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ से
लगभग 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे महिसागर रिवर क्रॉस हो रही है, तो वहाँ तक मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे टोल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन काम फुल स्पीड से चल रहा है, लगभग यहाँ पे इसका काम कंप्लीट होने आया है। और जो टोल बिल्डिंग के अंदर जो काम चल रहा है वो भी लगभग फाइनल स्टेज पे है। और यहाँ पे सारे टोल बूथ का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए टोल बिल्डिंग के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कि टोल बिल्डिंग के अंदर कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।